नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी, मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ। उत्तराखंड के ऋषिकेश में मोदी की 11 अप्रैल को जनसभा, सीएम धामी ने कार्यक्रम स्थल का किया भूमि पूजन, कहा पीएम का उत्तराखंड से लगा। घोषणा पत्र के प्रचार में जुटी कांग्रेस, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा शिक्षित युवाओं को रोजगार की पक्की गारंटी, अग्निवीर योजना होगी खत्म। लोकसभा चुनावों के लिए होम वोटिंग जारी, चमोली में 55 पोलिंग पार्टियां हुई रवाना, 86 दिव्यांग और 259 वरिष्ठ नागरिक समेत 345 मतदाता करेंगे मतदान। गर्मी बढ़ने के साथ जंगली जानवर बचाव करने लगे, रामनगर के कॉर्बेट पार्क में हाथी वोटर होल्स में पानी से नहाते का वीडियो आया सामने, पर्यटक देख हुए रोमांच। पीएम मुद्रा लोन के नाम पर ठगी का मामला, दो आरोपियों को एसटीएफ ने दबोचा, सिम कार्ड से एटीएम कार्ड और 1 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद। रुड़की कोर कॉलेज में बीजेपी के हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने युवा शक्तियों को संबोधित किया। इस मौके पर शिव खेड़ा ने भी युवाओं में शक्ति जगाने का काम किया। वहीं कोर कॉलेज के चेयरमैन जेसी जैन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सालों के कार्यों को उजागर करते हुए तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत से सवाल भी किए, जिसके त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंच से जवाब भी दिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज की और कल का भविष्य मात्र युवा ही है और युवा शक्ति उनके साथ है। बेसिक उद्देश्य था कि आज जिस तरह की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हिंदुस्तान में हो रही है और युवाओं की एक्सपेक्टेशंस हैं कि सरकार हमारे साथ किस तरह खड़ी है और वो आज क्या देखती है। आज बहुत ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला हमको। ये देखिए कि 2000 की कैपेसिटी का हॉल है, उसमें बच्चों को, नए बच्चे आ रहे थे, पुराने बच्चों को हमें उसमें से खाली भी कराना पड़ा। बहुत उत्साह है बच्चों के अंदर और वो आज जानना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में सरकार हमको कैसे देखती है। आज हर सवाल का जवाब दिया कि आज हमारी सरकार की क्या सोच है और आने वाले समय में वो हमारे युवाओं की समस्याओं को कैसे हैंडल करेंगे। हरिद्वार लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार को भी जनता का अपार समर्थन मिलता दिख रहा है। डोईवाला चुनावी कार्यालय पर सर्व सैनिक समाज पार्टी और बसपा के कई पदाधिकारियों ने उमेश कुमार को अपना समर्थन दिया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए हरिद्वार लोकसभा से उम्मीदवार उमेश कुमार ने कहा कि हरिद्वार की जनता दोनों ही राष्ट्रीय दलों से ऊब चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी ने जनता को ठगने का काम किया है। अगर जनता हम पर विश्वास जताकर हमें लोकसभा में पहुंचाती है तो हम जनता के बीच में रहकर लगातार विकास के कार्य करेंगे। डोईवाला विधानसभा में सिरकुट जैसे संस्थान के साथ ही उप जिला अस्पताल की स्थापना हमारी प्राथमिकता रहेगी। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गणेश गोदियाल पहुंचे जोशीमठ नगर में। गोदियाल के पहुंचने पर स्थानीय लोगों और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने टीसीपी बाजार से लेकर के मारवाड़ी चौक तक एक जनसंपर्क रैली का आयोजन किया। इस दौरान गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर बातों बातों में तंज कसा। गणेश गोदियाल जी का जोशीमठ में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है और कांग्रेस पार्टी इस समय गढ़वाल लोकसभा सीट को जीत रही है और इस समय का जिस प्रकार से आप देख रहे हैं गणेश गोदियाल जी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जनता के बीच में जो जोश है, जो खरोश है, वह आज कांग्रेस पार्टी के साथ है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मैं आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ हूँ। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी में था, जो अंधविश्वासी का जज्बा मेरे आंखों पे था, आज उसको उतार कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए गणेश गोदियाल जी का शामिल हुआ और श्री गणेश यहाँ से पौड़ी लोकसभा से भारी बहुमतों से विजयी होंगे।
भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र हेतु नियुक्त पुलिस प्रेक्षक रोमिल बानिया ने बानिया से जिले के भ्रमण पर हैं। जिला मुख्यालय पहुंचने पर पुलिस प्रेक्षक बानिया ने लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में की जा रही तैयारियों और कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। साथ ही राजकीय कीर्ति इंटर कॉलेज में स्थापित मतदान सामग्री वितरण और मतदाता केंद्र का भी निरीक्षण किया। जिसमें हमारी जो मतदान दल है वो 16 तारीख को रवाना होगा कलकत्ता से, क्योंकि ये हम लोग को लगा कि हम एक बार एक विजिट कर लें एसपी साहब, हम आके रातल की स्थिति देख लें, रोड की स्थिति क्या है और जहाँ हमारे बूथ बने हैं वहाँ बिजली पानी फर्नीचर शौचालय और बैंक ये सब सुविधा ये आदेश थे और हम लोगों ने उत्तरकाशी में समझने को इसमें समीक्षा बैठक ली थी। तो हम लोग को लगा कि एक पहले इसी प्रकार का भ्रमण हम लोगों ने गंगोत्री की तरफ किया था, गंगोत्री की तरफ किया था, आज एक दूसरा क्षेत्र सार्वजनिक तक का हम लोग का टारगेट था। उसी क्रम में हम लोगों ने अभी 3-4 बूथ देखे हैं, मतदान की एकदम तैयारी है, सब व्यवस्थाएं जैसी होनी चाहिए मन के अनुसार। लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे सील गांव के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था। ग्रामीणों के चुनाव बहिष्कार को देखते हुए सोमवार को डीएम चंपावत नवनीत पांडे रूठे। ग्रामीणों को मनाने के लिए 8 किलोमीटर उबड़ खाबड़ रास्तों में पैदल चल सील पहुंचे। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने डीएम पांडे का जोरदार स्वागत किया। सील गांव के ग्रामीणों ने आजादी के बाद पहली बार डीएम को गांव में देखा। डीएम को देख ग्रामीण काफी खुश नजर आए और गांव में आने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। ग्रामीणों ने डीएम के सामने गांव की सबसे बड़ी समस्या सड़क निर्माण की मांग रखी। वहीं डीएम ने ग्रामीणों को जल्द सड़क निर्माण का भरोसा दिलाया। डीएम पांडे ने ग्रामीणों को समझाते हुए कहा कि चुनाव बहिष्कार किसी समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए आप लोग अधिक से अधिक मतदान करें। डीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं। मेरे को 68 छाद हो गई, आज मैंने फर्स्ट बार मैंने अपने डीएम साहब का मौका अपने सील गांव की परिस्थिति के बारे में मैंने आज सुना। मैंने बहुत अच्छा हुआ, हमें खुशी हुई, हमने इस साल चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था, अब हमें अपना चुनाव बहिष्कार का ऐलान तोड़ने की हमने डीएम साहब आने से हम खुद ही तोड़ने के आश्वासन में है, तोड़ देंगे उसको। और डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या को जल्दी सुधारा जाएगा और जल्दी से सड़क की आपकी मांग सुधारी जाएगी, आपकी समस्याओं को देखा जाएगा। हमें बहुत बहुत धन्यवाद हुआ, आभार हुआ हमारे डीएम साहब हमारे उस गांव में कैसे गए। आज डीएम साहब को खुद ही पता हुआ, हम समस्या क्या बता सकते हैं, उनको खुद पता है इन कहाँ रहते हैं, क्या समस्या हुई। रामनगर बार एसोसिएशन की द्विवार्षिक कार्यकारिणी के लिए हुए मतदान में 105 अधिवक्ताओं में से 98 अधिवक्ताओं ने भाग लेते हुए अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की कार्यवाही की। दोपहर बाद हुई मतगणना के बाद मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट जगदीश चंद्र मासीवाल ने सभी विजयी प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए सभी को शपथ ग्रहण कराई। बता दें कि उपाध्यक्ष पद पर ललित मोहन पांडे और कार्यकारिणी सदस्यों के सभी सदस्यों का चुनाव निर्विरोध हुआ। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि अध्यक्ष पद पर ललित तिवारी, सचिव पद पर संतोष तिवरानी, पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर हिमांशु अग्रवाल, उप सचिव पद पर गगन कुमार और रंजीत कोषाध्यक्ष पद पर बलवंत सिंह विष्ट, ऑडिटर पद पर मोहम्मद यूनुस को निर्वाचित घोषित किया गया। देखिए, मैं घोषणाओं में तो विश्वास नहीं करता, मैं काम में विश्वास करता हूँ। यहाँ इस न्यायालय परिसर को खुलवाने से लेके एडीजे कोर्ट तक और भी जितने मैंने काम किए हैं, आगे भी मैं इन कामों को और गति से बढ़ाऊंगा। सोमवार की दोपहर रामनगर वन विभाग के अंतर्गत रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर स्थित प्रसिद्ध माता बाल सुंदरी देवी मंदिर परिसर में स्थित बाथरूम में एक गुलदार अचानक घुस गया। बाथरूम के अंदर गुलदार को घुसते हुए मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने जैसे ही देखा तो वहां भगदड़ मच गई। इसी बीच कुछ लोगों ने साहस दिखाते हुए बाथरूम के दरवाजे को लॉक कर दिया और इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद SDO वन कर्मी को
के साथ मौके पर पहुंचे और इसके बाद वन कर्मियों द्वारा इस गुलदार को सुरक्षित रेस्क्यू करने की कार्यवाही शुरू की गई। बाथरूम के समीप पूरा इलाका खुला और जंगल का होने के कारण गुलदार को रेस्क्यू नहीं किया गया और गुलदार जंगल की ओर भाग गया। हाँ, अभी एक सूचना मिली थी कि बाला सुंदरी मंदिर के बाथरूम में एक गुलदार फंसा हुआ है, तो सूचना मिलते ही मौके पर स्टाफ पहुंचा, तो वहां पर हमने भी आकर के निरीक्षण किया। वो गुलदार कुछ देर तक वैसे ही वहां पर बिना हिले डुले रुका हुआ था, लेटा हुआ था बाथरूम में, तो उसको फिर थोड़ा कोशिश करके और उस पर थोड़ा सा पानी की बौछार करके वो वहाँ से उसको भगाने में स्टाफ कामयाब हो गया है और गुलदार वहाँ से निकल चुका है। और फिलहाल उसको देख करके ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई दिक्कत है या वो घायल है। राजस्थान के चूरू में ट्रेन हादसे में मारे गए भारतीय सेना के ओटलरी में तैनात जवान प्रदीप बोहरा का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके गांव तपनीपाल पहुंचा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। मालूम हो चंपावत जिले के खेती खान के तपनीपाल निवासी आर्टलरी यूनिट बाड़मेर में तैनात जवान प्रदीप बोहरा शुक्रवार को छुट्टी लेकर घर आ रहा था। चूरू में चलती ट्रेन से उसका पैर फिसलने से उसकी मौत हो गई थी। सोमवार सुबह प्रदीप का पार्थिव शरीर उनके गांव तपनीपाल पहुंचा, जहां सैनिक का अंतिम संस्कार गुप्तेश्वर शमशान घाट में किया गया, जहाँ पिथौरागढ़ से आई सेना की टुकड़ी ने अंतिम सलामी दी। प्रदीप के चाचा केशव बोहरा ने चिता को मुखाग्नि दी। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के दादूपुर गोविंदपुर गांव में पहले एक गोदाम में भीषण आग लगी। 5 से 7 गोदाम को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की आधे दर्जन गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। क्षेत्र में अवैध कचरे के गोदाम में गाँव वालों का जीना मुहाल कर दिया है, इसलिए कुछ सालों में शिटकुल की फैक्ट्री से कचरे का धंधा करने वाले कबाड़ियों ने बड़े पैमाने पर अपने गोदाम दादूपुर गोविंदपुर गांव में खोले हैं। बता दें कि रविवार की मध्य रात्रि लगभग 1 बजे पहलवान के गोदाम में अचानक आग लगी थी। देखिए, करीब रात 1-1.5 बजे हमारे पास सूचना आई थी। तत्काल जो सिड़पुल फायर स्टेशन है हमारा, वहाँ से नज़दीक है, तो वहाँ से गाड़ी रवाना हुई थी। फिर घटना की जो भव्यता थी उसको देखते हुए फिर हमने अन्य स्टेशनों से भी गाड़ी मंगाई, ऋषिकेश से भी गाड़ी मंगाई गई और लगभग 8 से 10 गाड़ियाँ मौके पर थी। करीब 7 से 8 घंटे हमें लगे फायर को कंट्रोल करने में। ये आसपास ही जिस तरह पार्टीशन बना के गोडाउन बना देते हैं, लगभग 4 से 5 गोडाउन थे जिनके अंदर जो हमारा कबाड़ का सामान रहता है, जैसे प्लास्टिक फर्नीचर का सामान, थोड़ा कुछ ऑयल्स के डब्बे थे, इस तरह से मिक्स मटेरियल था। तो मिक्स मटेरियल में काफ़ी चैलेंजिंग रहता है हमारे लिए ये आइडेंटिफाई करना कि क्या फ्यूल सोर्स क्या है फायर का। तो कुल मिला के इस पर काफ़ी मशक्कत के बाद जो है काबू पाया गया। एक्सटेंशन ये था फायर का कि अगर समय पर टीम नहीं पहुँचती तो शायद जो, क्योंकि आसपास रेजिडेंशियल क्षेत्र भी था और भी अन्य गोदाम से फैक्ट्रियाँ थी, तो संभवतः वो फैलता तो काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान होता उसका। बट टीम ने टाइम पे पहुंच के उसको कवर कर लिया। अभी फिलहाल लगभग 10:30 बजे के आसपास ऑपरेशन खत्म हुआ, उसके बाद अभी सब कुछ नॉर्मल है, कोई खतरे वाली बात नहीं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण शुरू हो गया है। सोमवार को लोहाघाट और चंपावत विधानसभा क्षेत्र में 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाता और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को घर घर मतदान कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी DM चंपावत नवनीत पांडे के निर्देश पर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। वहीं लोहाघाट विधानसभा की ARO SDM रिंकू विष्ट के दिशा निर्देश पर 26 पोलिंग पार्टियों को विभिन्न बूथों के लिए रवाना किया गया, जो कि घर घर जाकर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान कराएंगे। तो
माननीय भारत निर्वाचन आयोग के एक अभिनव पहल है, जिसमें कि जो हमारे 85 प्लस के मतदाता हैं और जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, जो लोग बूथ तक आने में सक्षम हैं, उनको ये एक डोर टू डोर वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आज उसी के क्रम में यहाँ जनपद चंपावत में जो दो विधानसभाएं हैं, 54 लोहाघाट और 55 चंपावत, वहाँ पे लगभग हमारे 299 ऐसे मतदाता चिन्हित हुए हैं जो 85 प्लस हैं या पीएमडी हैं, जिनको ये घर घर वोटिंग का कार्यक्रम किया जाना है। 54 लोहाघाट में कुल 228 ऐसे मतदाता हैं, जिसमें से कि आज करीब 108 मतदाताओं को जो है ये डोर डोर वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आज 26 पोलिंग पार्टियां घर घर मतदान हेतु रवाना हुई है, जिसमें कि 85 प्लस और दिव्यांग मतदाताओं का घर जाके मतदान किया जाना है, और उनको ये दिशा निर्देश दिए गए कि जो आप वोट कास्ट करेंगे उसमें निष्पक्षता का पूरा ध्यान रखेंगे, और समस्त जो निर्वाचन प्रक्रिया होगी उसकी वीडियोग्राफी होगी, उस वीडियोग्राफी को सुरक्षित रखा जाएगा, किसी का भी आतिथ्य स्वीकार ना करें, ये भी उनको कड़े निर्देश इस स्तर पर जारी कर दिए। हमारे आज 26 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं, हमारे 108 मतदाता हैं, जिसमें से 97 प्लस है और 11 मतदाता हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश के सभी मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग लगातार प्रयासरत है। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से वोट कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। दिव्यांग और 85 से प्लस आयु के मतदाताओं के घर घर जाकर वोट कराने के लिए अल्मोड़ा, बागेश्वर और सोमेश्वर विधानसभा के लिए मतदान पार्टियां सिमकनी मैदान अल्मोड़ा से प्रातः 7 बजे प्रस्थान कर गई। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में श्रम बोर्ड प्रतिनिधि सुरेश कड़ाकोटी ने प्रेस वार्ता करते हुए 2024 लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सल्ट विधायक महेश जीना के विकास कार्यों को सल्ट क्षेत्र की जनता में काफी उत्साह है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से लाभान्वित होकर 5 सीटों में बीजेपी का परचम लहराएगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में 80% मतदान होगा। इस सरकार में हर गरीब को योजना का लाभ मिला है। जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, हमारे माननीय पुष्कर धामी जी और सल्ट विधायक महेश जीना जी के कार्यों को देखकर एक तरफा होने जा रहा है। सल्ट में तो एक तरफा हो रहा है, बाकी उत्तराखंड की 5 सीटों पर माननीय हमारे मोदी जी की योजनाएं और केंद्र सरकार की योजनाएं, साथ हमारे उत्तराखंड की योजना माननीय पुष्कर धामी जी जो कार्य किए हैं उसको साथ साथ देकर उत्तराखंड में तो एक तरफा होने जा रहा है। जो हमारा मत प्रतिशत 60% था उसको बढ़ा के 80% डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में क्षेत्र के युवाओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म दिवस समिति के बैनर तले यहां संविधान सम्मान रैली का आयोजन किया, जिसमें दोपहिया और चारपहिया वाहनों में सवार होकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रैली निकाली गई। रैली ऊंचा पुल स्थित रामलीला मैदान से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में होती हुई अम्बेडकर पार्क में जाकर समाप्त हुई। आज ये बाबा साहब के जो विचारधारा है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमने एक संविधान सम्मान रैली निकाली। इसको हम जागरूकता रैली भी कह सकते हैं, क्योंकि समय समय पर संविधान में विभिन्न प्रकार के बदलाव किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं जो भी बदलाव हो वो हमारे समाज हित में हो, और हम चाहते हैं कि संविधान का जो उसकी प्रेरणा है वो चीज़ बची रहे, जो एक समानता का है, बंधुत्व का नारा है बाबा साहब का, उस बाबा साहब के जो संविधान बनाया गया उस आधार पर, उस संविधान को कहीं ना कहीं कुछ कुटा चोट पहुंची है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे इंसानों के साथ ही वन्य जीव भी इससे बचने के तरीके खोजते नजर आते हैं। वहीं कॉर्बेट पार्क के झिरना पर्यटन जोन से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जहां हाथी गर्मी से बचने के लिए कॉर्बेट प्रशासन द्वारा बनाए गए वॉटर होल्स में पानी में नहाने के साथ ही पानी से अपनी प्यास भी बुझा रहा है। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगलों में बने वाटर होल्स प्राकृतिक और मैन मेड वाटर होल्स में लगातार वन्य जीवों के नहाने और पानी पीने के वीडियो लगातार सामने आते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के वाटर होल्स होते हैं, और उन वाटर होल्स में हम ये सुनिश्चित करते हैं गर्मियों के समय कि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। इसके लिए पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी हमने एक नया प्रयास ये किया कि उनको सोलर वाटर पंप से हमने कनेक्ट किया है वाटर होल्स को, ताकि सभी वाटर होल्स में पर्याप्त पानी लगातार बना रहे,
क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि जब गर्मी चरम पर हो तब जानवरों को बहुत दूर पानी के खोज में न जाना पड़े। साल के पहले सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर रात भर से विभिन्न राज्यों के श्रद्धालुओं का हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जिला प्रशासन ने पूरे मेले क्षेत्र को 29 जोन और 39 सेक्टर में बांटकर सोमवती अमावस्या को संपन्न करने का पूरा प्लान तैयार किया है। नोडल अधिकारी और एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि बीती रात 12 बजे से ही यातायात प्लान लागू कर दिया गया था। सोमवती अमावस्या का स्नान बहुत ही दुर्लभ संयोग के साथ पड़ा है। देशभर के अलग अलग राज्यों में पीएम मुद्रा लोन योजना के नाम पर ठगी करने वाले साइबर ठगों के गिरोह का उत्तराखंड एसटीएफ ने भंडाफोड़ किया है। वहीं गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में भी एसटीएफ को कामयाबी मिली है। इन दोनों अभियुक्तों के पास से एसटीएफ ने 1,31,100 रुपए बरामद किए हैं, जबकि 14 सिम कार्ड, 11 ATM कार्ड, 10 मोबाइल, 2 पासबुक और 7 अलग अलग बैंक की चेकबुक भी बरामद की गई है। तो उस पर हमारी टीम के द्वारा प्रोएक्टिवली काम करते हुए देहरादून स्थित कुछ ऐसे नंबरों को चिन्हित किया गया जिनके द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में साइबर फ्रॉड की कार्रवाई की जा रही थी। तो ऐसे नंबर्स और ऐसे बैंक अकाउंट्स को चिन्हित कर उनको डेवलप किया गया और उसी क्रम में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि थाना प्रेमनगर क्षेत्र से एक बड़ा साइबर क्राइम का सिंडिकेट संचालित कर रहे थे, जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विक्टिम्स को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम पर लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 10वीं गढ़वाल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के 5 विजेताओं का सम्मान किया। मसूरी के होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने गढ़वाल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 5 विजेताओं को मोमेंट देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। से चल रहा है बट 2021 में ये सपना मैंने देखा था, क्योंकि यूथ को मैंने देखा कि इधर उधर बस भटक रहा है, कुछ है नहीं करने के लिए, और उनकी जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम लोग पहाड़ों में रहते हैं तो हमारा जो शरीर है वो शुद्ध वायु की वजह से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, तो इनकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। हम लोग जो पहाड़ी जो कैपेबिलिटीज़ होती है, पहाड़ी जो शरीर में कैपेबिलिटीज़ होती है, एक जो लोग दिल्ली वगैरह उनसे ज़्यादा होती है, खासकर जब बात आती है स्टैमिना और स्ट्रेंथ की, वो नेचुरली हमें गिफ्टेड है। बहुत ही खुशी की बात है कि 10वीं गढ़वाल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मसूरी के 5 बच्चों ने प्रतिभाग किया और 5ों ने स्वर्ण और रजत पदक और साथ में ओवरऑल चैंपियनशिप 2 ने जीती। ये बहुत ही गर्व की बात है। ये जो स्पोर्ट्स कार्यक्रम था ये गुरुकुल कांगड़ी महाविद्यालय हरिद्वार में 31 मार्च को हुआ था और हमने बच्चों को सम्मानित करने की एक सोच रखी जिससे कि बच्चों को प्रोत्साहन मिले, बच्चे आगे बढ़े और जो बच्चे देखें कि ऐसे जब हमारे साथ के बच्चे भी पावर लिफ्टिंग में इतना नाम कमा सकते हैं तो उनके लिए गर्व की बात हो। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दूरस्थ करछो गांव में पिछले 2 सालों के बाद गढ़वाल के इष्ट देवता जीतू बगड़वाल नृत्य का आयोजन हर दिन रात के वक्त तकरीबन 5 दिनों तक लगातार देखने को मिला और अंतिम दिवस में करछो गांव में एक विशाल मेले का आयोजन भी किया गया। सोमवती अमावस्या के मौके पर सोमवार को उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस दिन लोग गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं और अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन किए गए दान से सुख समृद्धि आती है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।